नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर और सागर की टीम ने निवाड़ी और मंडला जिले में छापे मारे। आज सुबह निवाड़ी में जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड टाइम कीपर और मंडला जिले में दो सोसाइटी मैनेजर्स के ठिकानों पर छापे पड़े। दोनों मैनेजर्स भाई हैं। एक भाई के पास आय से 1100% अधिक खर्च और संपत्ति मिली है। 10 लाख रुपये कैश मिले हैं। इसकी मंथली सैलरी लगभग 9000 रुपये है। टीम ऐसे समय पर पहुंची जब सभी अपने घरों में सो रहे थे। दरवाजे पर टीम को देखते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब तक की जांच में तीनों के पास आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। सर्च भी जारी है। रिटायर्ड टाइम कीपर उसके बेटे के खिलाफ केस किया गया है। मंडला में दोनों मैनेजर भाइयों के साथ उनकी पत्नियों पर भी केस किया गया। UW जबलपुर की टीम मंडला जिले के नैनपुर में दो भाइयों गणेश जायसवाल और राजू जायसवाल के मकान, गोदाम और दुकानों में सर्च कर रही है। दोनों सोसाइटी मैनेजर हैं। UW SP जबलपुर देवेंद्र राजपूत ने बताया कि नैनपुर के रहने वाले गणेश और राजू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जमा करने की शिकायत आई है। राजू जायसवाल के पास अब तक आय से लगभग 1100% ज्यादा प्रॉपर्टी मिली है। राजू और उसकी पत्नी संगीता के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उन शिकायतों की जांच कराई गई और जांच में जो साक्ष्य पाए गए उसके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध 3 अलग अलग आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में ये प्रकरण पंजीबद्ध हुए थे। इन तीनों प्रकरणों में एक प्रकरण निवाड़ी का है और 2 प्रकरण नैनपुर जिला मंडला के हैं, जहां पर आज इन तीनों प्रकरणों में 5 स्थानों पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर और सागर की टीमों के द्वारा सर्च कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भी कार्रवाई जारी है। ये थी आज की खबर। और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।